A very good morning to all of you. हम लोग बहुत लंबे समय के बाद मैं कॉन्फिडेंट कि आप सभी लोगों ने इस बीच में अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया होगा और आप फिजिकली मेंटली और स्पिरिचुअली परफेक्ट कंडीशन में होंगे. करीब है, ज्यादा समय बचा नहीं है. आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी दी होगी, डेफिनेटली उसमें आपका परफॉर्मेंस डे बाय डे आपने इम्प्रूव किया. हम लोगों ने वन डे रीजन भी आपके लिए इसलिए प्लान किया कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके से कोई भी कमी ना रह जाए. तो हम लोग जो अपना रोल उसमें कर सकते थे वो हम कर देना चाहते थे, इसीलिए वन डे रिवीजन. ऑलरेडी मेरे ख्याल से आपका मैथमेटिक्स हो चुका है, स्टैट्स हो चुका है, लॉ हो चुका है. अपन अकाउंट्स भी दो पार्ट में लेंगे. आज अपन प्री लंच सेशन लेंगे, पोस्ट लंच सेशन इंग्लिश का रहेगा आपका, फिर अपन कल फिर से बचा हुआ उसको भी अपन प्री लंच सेशन में लेंगे. लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अपन कल पोस्ट लंच सेशन में भी मिलेंगे, ताकि आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन आपको क्विकली कर सके. अपने कोर्स में अपन ने देखा कि टोटल करीब 14-15 चैप्टर्स है. अपन ने जब क्लास में पढ़ाई की थी तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर सीक्वेंस में है जो अपनी किताब में पहला, उसको अपन ने स्किप कर दिया था और अपन ने सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू किया था. और जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिया था उसके बाद लिया था, तो रिवीजन में भी अपन वही करेंगे. ठीक है, रिवीजन में भी अपन वही करेंगे. तो वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर जो आपके अकाउंटिंग की प्रोसेस से कनेक्टेड है. और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनल अकाउंट तक जब अपन पहुंच जाएंगे उसके बाद जो है देन वी विल टेक द फर्स्ट चैप्टर. राइट, यही ऑर्डर अपन फॉलो करेंगे. मैं हर एक चैप्टर में आपको किसी ने लिखा है प्लीज टर्न ऑफ योर माइक, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी तरीके से, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है. नहीं, किसी स्टूडेंट को शायद कमेंट किया गया है. मैं एक एक चैप्टर में इम्पोर्टेंट पार्ट खत्म होने के बाद आपको पूछा करूंगा. जब भी एनी क्वेरी, उस समय आप चाहे तो माइक स्टार्ट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन तब तक आप अपने माइक ऑफ रखिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो. बराबर, तब तक आप माइक ऑफ रखिए. सिर्फ आपको अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम गया जो आपको लगता है मेरी तरफ से है, जैसे डिस्प्ले नहीं आ रहा है या मेरी आवाज नहीं सुनाई आ रही है, तो आप मुझे बताइए. क्योंकि एक्चुअल में मैं अभी थोड़ा सा दूसरा ट्राई कर रहा था पर वो ठीक से हो नहीं रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया कि जिसको मैं एक दूसरे सिस्टम में रिकॉर्डिंग करके यहाँ पे रिले हो ऐसा देख रहा था, बट वो कुछ ठीक से हो नहीं पा रहा था. तो अपन ने डायरेक्टली अभी टीम ऐप में ही है. मैं आपको ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से चीजों को दिखाऊंगा और समझाऊंगा. आप सिर्फ देखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है. आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें आपके कोर्स मटेरियल में दिया हुआ है. ये लीजिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया है, लेकिन मैंने आपको वो ऑप्शन रखा है कि आप अपना अनम्यूट कर सकते हो, लेकिन रहेगा. मैं चाहता तो इसकी जो सेटिंग थी मीटिंग की, उसमें मैं आपको परमानेंटली म्यूट कर सकता था, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा, इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ सुनने मिलेगा पर आपको कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, तो उसका मौका नहीं मिलता. इसलिए मैंने मीटिंग में वो कमांड नहीं दिया, उसको सेट करता. अपन क्या करेंगे, आप भी ध्यान रखेंगे,
अपना माइक ऑफ रखेंगे, जब क्वेश्चन पूछने की बात रही तब आप माइक ऑन करेंगे, ठीक है। जितनी सिंसियरिटी से आप पूरे सेशन अटेंड करेंगे उतना अच्छा होगा। तो लेट अस स्टार्ट अपन चैप्टर टू बेसिक अकाउंटिंग जो है उससे शुरू करेंगे। आपके पास हो सकता है डिस्प्ले आने में थोड़ा सा लैगिंग हो, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ इंटरनेट के दो दो है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है। जैसे जियो फाइबर का भी मैंने कनेक्शन स्पेशली लिया था कि स्पीड ज़्यादा देगा, लेकिन वो पता नहीं कभी कभी अचानक कुछ नया ही प्रॉब्लम बताता है। अभी कल से जियो फाइबर में, कल या परसों से एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि मेरा जियो फाइबर में टीवी चालू है, यूट्यूब चालू है, जीमेल चालू है, लेकिन ये जो मीटिंग के ऐप्स है, टीम ऐप है, जूम है, या इवन कुछ और चैनल्स जो है वो नहीं काम कर रहे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मेरा जो केबल का कनेक्शन है उसी से अभी मैं ये रिले कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा स्पीड का, लैगिंग का प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि ये रिवीजन है, मैं बोलता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हैं, तो स्क्रीन में थोड़ा लैग भी हुआ तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, इस में अपने को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें कवर्ड है, तो अपने इसमें बेसिकली तीन चीजें कवर्ड है। अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट टू एंड वो अपन इसमें देखेंगे। फिर सिंपल मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशो, ये सब जो चीजें रहती है ये आपकी, बराबर, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था, परसेंटेज, रेशो, प्रपोर्शन, ये आपके लिए मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो बहुत यूज़फुल है। आगे की पढ़ाई में भी और ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको किसी भी तरीके से आपने निग्लेक्ट नहीं करने का, राइट, यू शुड नॉट निग्लेक्ट इट। देन इसके बाद रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसी नौबत आएगी कि जो डाटा दिया रहेगा वो जो क्लैरिटी रहेगी उतनी नहीं रहेगी, थोड़ा सा एम्बिग्यूटी रहेगी उसमें, तो ऐसे केसेस में आप कैसे उसका मीनिंग निकालेंगे वो भी अपन देखेंगे। अपनी जो पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है ये डबल एंट्री सिस्टम से काम करती है। डबल एंट्री यानी अपने को पता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी क्रेडिट विथ इक्वल अमाउंट, एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर शुड बी डेबिट विथ इक्वल अमाउंट। अकाउंटिंग पढ़ते समय हर समय आपने डबल एंट्री का ध्यान रखना चाहिए। नंबर ऑफ अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ अकाउंट क्रेडिट कैन बी डिफरेंट, बट द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन एवरी ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज इक्वल, क्योंकि ड्यूअल आस्पेक्ट होता है कभी भी, इसलिए आपको कोई बोले ना बोले आपको ये ध्यान में रखने का है। अब ये सिस्टम किसने इवॉल्व किया था वो आपको दिया है, ये इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। मैं तो खुद इतने सालों में कभी याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट एज ए स्टूडेंट आपसे शायद वो पूछ ले, है ना, तो इसलिए आपको ये फ्रा ल्यूसो पेसियोली इन 1494 AD ये ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आपसे ट्रू फॉल्स वगैरह में वो ऐसा पूछ भी सकता है। अकाउंटिंग के लिए उससे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है, बराबर। मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन यानी लेन देन है, गिव एंड टेक है, जिसको अपन ये एरो के फॉर्म में बनाते थे, इसके एक तरफ एंटिटी है जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और दूसरे तरफ ये पर्सन है, इसके साथ जो लेन देन गिव एंड टेक किया, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, ये दो चीज़ें आती है इसमें, तो इवेंट का मतलब भी आपको यहीं पे बोल के बता दे रहा हूँ, शायद वो आगे आ जाए, कि इवेंट यानी कुछ तो भी हुआ, समथिंग हैज हैपन्ड, जिसका हमारे ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट है, बराबर, लेकिन वो किसी पार्टी के साथ ले, बट कुछ हुआ, जैसे कि आग लग गई, या जैसे कि एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक बचा हुआ है,
या जैसे कि आपने प्रॉफिट कमाया, मतलब इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस है, तो दैट इज एन इवेंट, उनको बोलते हैं इवेंट। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स दोनों की होती है। अब ये आपको चार्ट पूरा बना के आपके मटेरियल में भी दिया हुआ है, आपको पढ़ाया भी है कि इसमें आपको दिख रहा है कि ट्रांजेक्शंस में क्या हो रहा है, कुछ दिया और कुछ लिया, वो जो दिया और लिया उसको अपन ने डिवाइड किया ब्रॉड ग्रुपिंग में, कैश, प्रॉपर्टी, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट्स, बराबर। कैश और प्रॉपर्टी के जो अकाउंट है इन्हीं को अपन रियल अकाउंट बोलते हैं, यही हमारे एसेट है। गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट्स के अकाउंट को अपन नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इसमें भी हमने आपको बोला था कि गुड्स के अकाउंट को वैसे रियल अकाउंट बोला जाता है, लेकिन क्योंकि आगे जाके गुड्स अकाउंट नाम से अकाउंटिंग करते ही नहीं है, अकाउंटिंग क्या नाम से करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और इनको अपन इनकम और एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, इसीलिए हमने गुड्स अकाउंट को यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट रेफर किया है। पर आपसे अगर एग्जाम में पूछता है कि गुड्स अकाउंट बताइए क्या है, तो आप बोलो रियल अकाउंट, ठीक है। अदर पर्सन जिसके साथ आप लेन देन कर रहे हैं, जिनके साथ आपके डीलिंग हो रही है, उनके अकाउंट को अपन बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट या तो एसेट होता है या लायबिलिटी होता है। अगर वो डेबिट बैलेंस बता रहा होगा तो वो एसेट है, अगर वो क्रेडिट बैलेंस बता रहा होगा तो वो लायबिलिटी है। एक्सपेंस अकाउंट यानी नॉमिनल अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस बता रहा है तो वो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो वो इनकम है। रियल अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही बताएगा, ये भी अपन ने देखा, या तो नील हो जाएगा वो, या तो नील हो जाएगा, अदरवाइज इट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। इवेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। गुड्स अभी बताया कि गुड्स को अपन रियल अकाउंट बोलते हैं। गुड्स यानी क्या है, जिसमें आप डील करते हो, जो आपके बिजनेस का आइटम है, जिसको बनाना और बेचना ये आपका काम है, या जिसको खरीदना और बेचना ये आपका काम है, उसको अपन गुड्स बोलते हैं। एसेट्स, दो टाइप के एसेट्स हो सकते हैं, एक रियल अकाउंट यानी कुछ तो भी वैल्यूएबल चीज है आपके पास, बराबर, समथिंग वैल्यूएबल बिलोंग्स टू यू, समथिंग वैल्यूएबल यू हैव, या फिर पर्सनल अकाउंट रहते हैं कि आपको किसी से कुछ लेने का हक है, टू रिसीव, वो भी हमारे क्या है, एसेट है, आपको किसी से कुछ लेने का हक है, राइट है। लायबिलिटी, ये पर्सनल अकाउंट रहते हैं, यू ओ टू समवन, यू आर लायबल टू गिव समथिंग, आपको किसी को कुछ देने का ऑब्लिगेशन है, उसको अपन बोलते हैं लायबिलिटी। एक्सपेंस यानी जब हम किसी से गुड्स, सर्विसेज या बेनिफिट लेते हैं, जब हम किसी से गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट लेते हैं, तो उसकी जो कीमत होती है वो हमारे लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंस। और जब हम किसी को गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट देते हैं, तो उसकी कीमत जो हमको मिलती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है, इनकम। इनको हम एक्सपेंस और इनकम, यानी जिनका बेनिफिट, जिनका यूज विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में एंजॉयड हो जाता है, मिल जाता है, तो इनको ही हम कॉमनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम ऐसे नाम से कॉल करते हैं, बराबर। इनकम तो वो पहले बता दिया एक्चुअली मैंने, वो एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ मैंने आपको ये इनकम वाला एरो भी ऑलरेडी बता दिया, बराबर। अकाउंट्स को अपन जो क्लासिफाई करते हैं, पर्सन यानी जिन लोगों के साथ आप डील करते हो, जिनके साथ आपका लेन देन होता है, उनके अकाउंट को अपन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट में एक तो नेचुरल पर्सन होते हैं कि भाई ए है, एक्स है, राम है, श्याम है, इनके अकाउंट को अपन पर्सनल अकाउंट बोलते हैं।
दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, मतलब वो हमारे और आपकी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है बल्कि लॉ की नज़र में क्रिएट हुए पर्सन है, जैसे कि कोई बैंक है या कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप लेन देन करते हो, तो उनको भी अपन पर्सनल अकाउंट ही बोलते हैं। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब वो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है भले ही वहां पे आपको नाम में नहीं दिख रहा है, तो जैसे सैलरी पे वो नाम नहीं दिख रहा बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज जिनको आप सैलरी पे करने के लिए लायबल हो, बराबर। तो वो भी आपका पर्सनल अकाउंट, तो नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये सभी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट हो गए। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो ओनर का अकाउंट है। ड्रॉइंग अकाउंट, वो भी ओनर का अकाउंट है इसलिए वो भी हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है, बराबर है। वो भी हमारे क्या है, पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट यानी कोई तो भी वैल्यूएबल चीज है जिसको आप अपने कारोबार के लिए लेते हो, यूज करते हो, बराबर है, या जरूरत पड़े तो बेच देते हो, उनको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी हमारे लिए टेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब टेंजिबल नेचर के रियल अकाउंट हो गए। गुड्स को भी बोलेंगे टेंजिबल नेचर का रियल अकाउंट हो गया। दूसरे होते इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है बट दे आर वेरी वैल्यूएबल, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको सब अपन बोलते हैं इनटेंजिबल नेचर के एसेट बोलो, रियल अकाउंट बोलो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट या फिक्टिटियस अकाउंट भी कोई बोल देता है, मतलब जो पेपर पे है, रियल में कोई चीज नहीं है बट उसको फिक्टिटियस वर्ड कॉमनली यूज नहीं करते, नॉमिनल अकाउंट ज्यादा स्टैंडर्ड वर्ड है। इट रिलेट्स टू आइटम्स ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, जो नाम में आपको दिखता है, तो आपने जो भी सर्विसेज, बेनिफिट्स, गुड्स लिया या दिया उसकी जो वैल्यू है, जो हमारे लिए या तो एक्सपेंस है या इनकम है, उसके अकाउंट को अपन बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। रेंट, सैलरी, डिविडेंड, बैड डेब्ट एक्सेट्रा, देखिए इसलिए हमने यहाँ पर भी गुड्स को थोड़ा सा अलग से हाईलाइट किया है, क्योंकि गुड्स को वैसे लोग रियल अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट नहीं बोलेंगे, बट उसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट वाला ट्रीटमेंट होता है। एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक नया हमने नाम इसमें डाल दिया, क्योंकि कुछ अकाउंट होते हैं जिनका आपस में कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है, वो किसी ना किसी दूसरे अकाउंट के साथ एडजस्ट करने, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट क्रेडिट बैलेंस बताता है, इज इट योर इनकम, नो, इज इट योर लायबिलिटी, नो, देन व्हाट इज दिस, इट इज द रिडक्शन ऑफ योर डेटर, कि डेटर में से इतना पैसा डूबेगा। तो अगर बोलना ही है तो हम बोलेंगे इट इज एन एडजस्टमेंट टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेप्रिशिएशन प्रोविजन अकाउंट आपने देखा, वो भी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कॉमनली इनकम के रहते हैं, तो डेप्रिशिएशन प्रोविजन इनकम का है क्या, नहीं, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी, तो डेप्रिशिएशन प्रोविजन यानी किसी को पे करना है क्या, नहीं, इसका मतलब वो ना इनकम है ना लायबिलिटी है। क्या है वो, इट इज रिडक्शन ऑफ योर फिक्स्ड एसेट, बराबर। तो इस इनको अपन बोल सकते हैं एडजस्टमेंट टू रियल अकाउंट है, ये डेप्रिसिएशन प्रोविजन एडजस्टमेंट टू रियल अकाउंट है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एडजस्टमेंट टू पर्सनल अकाउंट है। तो ये भी एक कैटेगरी आप ध्यान में रख सकते हो अगर ऐसा कुछ आपको एग्जाम में पूछा तो। ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये दूसरा तरीका, पहला तरीका जिसको लोग गोल्डन रूल के नाम से भी बोलते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, है ना, वो आपको बता दिया। अभी दूसरा तरीका एक्चुअल में ज़्यादा काम का है, क्योंकि आगे की पढ़ाई में आपको फाइनल अकाउंट जब बनाना रहता है
तो यही क्लासिफिकेशन काम में आता है, ठीक है, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम। बल्कि जो आगे और एडवांस पढ़ाई करोगे, कोई डिसीजन मेकिंग करना है, कोई ओपिनियन देना है, तो उसके लिए वो रियल पर्सनल नॉमिनल कोई नहीं देखेगा। क्या देखेगा? इज इट योर एसेट और लायबिलिटी एक्सपेंस और इनकम। एसेट का मतलब ऑलरेडी बता दिया, एसेट यानी कोई तो भी वैल्यूएबल चीज है जो रियल अकाउंट टाइप की रहती है, या किसी पर्सन से कुछ लेने का हक है, उसको अपन बोलते हैं एसेट। लायबिलिटी, किसी को आप कुछ देने के लिए अंडर ऑब्लिगेशन हो, तो उसको अपन बोलते हैं वो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। वी ओ समथिंग टू अदर्स, हम किसी को कुछ देने के लिए अंडर ऑब्लिगेशन है। कैपिटल अकाउंट, एसेट माइनस लायबिलिटी, जो बच गया वो ओनर का है। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन भी इसीलिए आप बोलते हो कि कैपिटल यानी क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, इसी को आप अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हो। अब इसको इधर से उधर अगर अपन शिफ्ट करेंगे तो ये इक्वेशन ऐसा भी बन जाता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, फॉर्म में भी उसको अपन बोल सकते हैं। इसी को हायर लेवल में आप पढ़ोगे तो अपन इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी यानी ऑल एसेट माइनस ऑल लायबिलिटी, व्हाट बिलोंग्स टू ओनर, दैट इज इक्विटी। अब ये कैपिटल में एक्सपेंस और इनकम को बताएंगे, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट लॉस, एंड प्रॉफिट लॉस अल्टीमेटली कहां चला जाता है, कैपिटल अकाउंट। तो ये एक्सपेंस और इनकम, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट लॉस। शुभ शुभ बोलना चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ प्रॉफिट ही लिख रहा हूँ वहाँ पे। और ये प्रॉफिट अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा, ओनर के कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। एंट्री बनाने के चार तरीके हमने आपको सिखाए, एक ये रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट से सिखाया कि भी पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन रिसीवर है उसका अकाउंट डेबिट कर दो, जो पर्सन गिवर है उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, ये चार्ट से भी आपको समझाया, ये आपकी किताब में देख लेना चाहिए, इससे भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, बराबर। अब ये दूसरा तरीका जिसमें हम एंट्री बनाते हैं एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम पे से, बराबर। एसेट यानी रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट दोनों हो सकते हैं, अभी बताया। एसेट में बाय नेचर बैलेंस क्या रहता है वो आप देखो, तो बैलेंस रहता है डेबिट बैलेंस, बराबर। अब अपने को ये भी पता है कि डेबिट डेबिट ऐड होता है, बराबर। डेबिट डेबिट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये नहीं दिख रही बराबर, क्रेडिट क्रेडिट ये भी ऐड होता है, बराबर। लेकिन अगर एक डेबिट है और एक क्रेडिट है तो वो एक दूसरे में से क्या हो जाते हैं, सब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो और उसके ऊपर से आप यहाँ डबल एंट्री बना रहे हो कि एसेट में डेबिट है, तो ट्रांजैक्शन को पढ़ के देखो, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करो तो डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें आप क्रेडिट करो, क्योंकि एसेट में डेबिट है, आप क्रेडिट करोगे तो वो उसको माइनस कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। अब यही लॉजिक आप बाकी में लगा सकते हो। लायबिलिटी में बाय नेचर क्रेडिट बैलेंस रहता है, अगर बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और उसको कम करना है तो डेबिट करो। एक्सपेंस में बाय नेचर डेबिट बैलेंस रहता है, अगर उसको बढ़ाना है तो डेबिट करो, आपको लग रहा है हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट करो, और अगर उसको कम करना है तो क्रेडिट करो, बराबर। इनकम में क्रेडिट बैलेंस रहता है, बराबर। इनकम में क्रेडिट बैलेंस है, अगर उसको बढ़ाना है तो और क्रेडिट करो, और कम करना है तो डेबिट करो।
इस तरीके से आप ये एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम के बेसिस पे भी डबल एंट्री बना सकते हो, ये भी अपन ने पढ़ा। फिर तीसरा तरीका अपन ने पढ़ा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि डेबिट डेबिट ऐड होता है, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, ये बहुत काम की चीज़ है। आगे की पढ़ाई में हर जगह आप इसका इस्तेमाल करते रहते हो, इसका यूज़ करते रहते हो, बराबर। ये जो आपको दिख रहा है अब ट्रांसफर एंट्री, ये तीसरा तरीका कि अकाउंटिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो जिस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, ये ध्यान में रख लीजिए। तो अगर उसमें डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, और जहां ट्रांसफ़र कर रहे हैं वहां उसका सेकंड इफेक्ट दे दो, सिंपल, बराबर। तो जिस अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, जैसे कोई भी एक्सपेंस को अल्टीमेटली आप प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करते हो, तो उस समय आप एक्सपेंस को क्रेडिट करते हो, प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देते हो। डेटर बैड हो गया, कोई पार्टी बैड हो गई, उसको आप बैड डेब्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो आप वो पार्टी को क्रेडिट करते हो क्योंकि उसमें डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट करोगे तो वो ख़त्म हो जाता है, तो पार्टी को आप क्रेडिट करते हो और बैड डेब्ट को डेबिट कर देते हो। तो ये ट्रांसफ़र एंट्री का तरीका भी जहाँ भी आपको लगे कन्वीनियंटली समझ में आए वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। तो अकाउंट में डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दो, और जहां ट्रांसफर करना है वहां पे डेबिट इफेक्ट है। ये आपको एग्जांपल भी दिए हुए, ये सब खर्चों को आप प्रॉफिट लॉस में जो ट्रांसफर करते हो उसकी एंट्री। सिमिलरली अगर कोई अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है और आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसको डेबिट कर दो, खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जहां ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर क्रेडिट कर दो, इनकम को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की इफेक्ट दिखा दिया आपको, बराबर। और चौथा तरीका आपको बताया था रिवर्सल एंट्री का, रिवर्सल कैंसलेशन। कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज की हमने अकाउंटिंग कर ली है आगे जाके हमको लगता है कि भाई इसको कैंसिल करना है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, हमसे गलती हो गई थी ऐसा भी हो सकता है, उसका नेचर बदल गया ऐसा भी हो सकता है, तो आपको रिवर्स करना है तो वही आप तरीका अडॉप्ट करो कि डेबिट में क्रेडिट करो तो कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट में डेबिट करो तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जो एंट्री आपने बनाई होगी उसी को आप रिवर्स कर डालो तो ऐटोमेटिकली वो आपकी पहली की एंट्री को कैंसिल कर डालेगा। ये जैसे दिया है कि भी चेक आपने किसी से रिसीव किया, उसको डिपॉजिट किया, तो आपने बोला बैंक डेबिट और पार्टी अकाउंट क्रेडिट। अब आगे जाके ये चेक अगर डिसऑनर हो गया तो ये जो एंट्री आपने की, इस एंट्री का मतलब होता है कि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया, और किसने दिया वो पैसा, तो सतीश ने दिया, ये मतलब निकलता है। लेकिन चेक डिसऑनर हो गया मतलब न तो सतीश ने पैसा दिया न हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ, तो फिर इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए देखो सिंपली रिवर्स कर दो, पहले सतीश को क्रेडिट किया था अब डेबिट कर दो, तो पहले का क्रेडिट अभी का डेबिट एक दूसरे को नलीफाई कर देगा। बैंक को क्रेडिट कर दो तो पहले का डेबिट अभी का क्रेडिट वो बैंक अकाउंट के इफेक्ट को भी नलीफाई कर देगा, इसको अपन बोलते हैं रिवर्सल एंट्री। तो ये चार तरीके एंट्री बनाने के, पहला रियल पर्सनल नॉमिनल वाला, दूसरा एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस इनकम वाला, और तीसरा आपका ट्रांसफर एंट्री, चौथा रिवर्सल एंट्री। ये चारों आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, अभी के लिए नहीं जिंदगी भर काम में आएंगे। अकाउंटिंग की प्रोसेस सिंपल ब्रीफ में बताया, सबसे पहले पिछले साल के बैलेंसेस को अपन लाते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में जितने एसेट होंगे वो सब डेबिट बैलेंस बता रहे होंगे, और जितनी लायबिलिटी होंगी वो सब क्रेडिट बैलेंस बता रहे होंगे। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी अपन हमेशा डबल एंट्री पास करते हैं, किसी अकाउंट को डेबिट और उतने ही अमाउंट से किसी और अकाउंट को। मेरा ये बार बार बैड नेटवर्क बता रहा है,
हो सकता है थोड़ा सा लैगिंग वगैरह उस वजह से भी हो सकता है ज्यादा, ठीक है, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं और आपको लिखना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, ठीक है। यानी आंख बंद करके भी बैठ जाओगे ध्यान के मुद्रा में तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। एंट्री सबसे पहले अपन करते हैं, जिस रजिस्टर में एंट्री करते हैं उसको अपन बोलते हैं बुक ऑफ एंट्री। बुक ऑफ एंट्री एक भी रह सकती है, बुक ऑफ एंट्री मल्टीपल भी होती है। उनको अपन ने ब्रॉडली तीन इसमें ग्रुपिंग किया था, जर्नल, कैश बुक एंड अदर्स, है ना, ऐसे तीन टाइप की बुक्स में क्लासिफाई किया। सब में डबल एंट्री ही होती है, पर सबका लिखने का तरीका अलग अलग है, सबका पोस्टिंग का तरीका अलग अलग है, ठीक है। लेजर में फिर अपन पोस्टिंग करते हैं क्योंकि बुक ऑफ एंट्री जो है वो कोई अकाउंट नहीं है एक्सेप्ट कैश बुक। कैश बुक आपका डबल काम करता है, बुक ऑफ एंट्री भी है और वो कैश और बैंक अकाउंट का भी काम कर देता है। लेकिन बाकी जो है जैसे जर्नल वो प्योर बुक ऑफ एंट्री है, सेल बुक, परचेज बुक, ये जो अदर कैटेगरी की बुक्स है ये प्योर बुक ऑफ एंट्री है। तो जब आप इनमें डबल एंट्री लिखते हो तो डेबिट और क्रेडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप लेजर में अकाउंट बनाते हो। तो लेजर में अकाउंट बनते हैं और जब आप उन अकाउंट में पोस्टिंग करते हो तब वो डेबिट क्रेडिट पूरा होता है। इसके बाद आप ये जब साल भर अकाउंटिंग करते हो तो उसके बाद आप सब अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग करते हो। अब साल भर के बाद अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन पूरे एनुअल फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन रियल में तो आप जब चाहो तब टोटलिंग बैलेंसिंग कर सकते हो। आपको हर महीने में बना के देखना है ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट, बिल्कुल खुशी से बना सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो एंड ऑफ द ईयर में हमने पूरे अकाउंट की टोटलिंग बैलेंसिंग की तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अकाउंट निल हो गया यानी डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आया, या अकाउंट में डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, या तो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है यानी अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ये जो बैलेंस बचे हुए हैं डेबिट और क्रेडिट, इनको अपन एक पेपर पे उतार लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आपने ट्रायल बैलेंस बनाने तक अगर सब ट्रांजेक्शन और इवेंट जो इस ईयर से रिलेटेड है उनको अकाउंट कर लिया होगा तो आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी और कोई एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं दिया रहेगा। लेकिन मोस्टली क्या होता है वो आपका नॉलेज करना चाहते हैं इसलिए वो कुछ कुछ चीजें पेंडिंग रख देते हैं, उसी को आप बोलते हैं एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन। जैसे 31 मार्च तक का ट्रायल बैलेंस बना है, अब मार्च की सैलरी अप्रैल में पे करते हैं तो मार्च की सैलरी अभी तक अकाउंट नहीं हुई। वो चाहता तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एंट्री कर सकता था सैलरी अकाउंट, डेबिट सैलरी पेबल अकाउंट, लेकिन उसने नहीं किया, उसने आपके लिए छोड़ दिया। इसी को आप बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम या डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या स्टॉक एंड ऑफ द ईयर में जो बच गया, इस टाइप के जानकारी वो आपके लिए पेंडिंग छोड़ देता है जिसको आप बोलते हो एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्योंकि इसकी क्या करोगे आप डबल एंट्री बनाओगे डेबिट और क्रेडिट। किसी का माइक, शौरी ठाकरे आपका माइक लग रहा की मदद से फिर आप बनाते हो फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आप बेसिकली दो स्टेटमेंट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसमें आप अपनी पूरी इनकम पूरे एक्सपेंस ले लेते हो तो डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, और फिर ये प्रॉफिट लॉस आप ट्रांसफर कर देते हो ओनर के अकाउंट में जिसको आप बोलते हो कैपिटल अकाउंट। आप चाहो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट अलग से रिजर्व नाम से भी बैलेंस रखा सकते हैं। रिजर्व ऑल्सो बिलोंग्स टू ओनर, ये आपने पार्टनरशिप चैप्टर में पढ़ा है। अब जो बच गए, अब क्या बच गए, एसेट
लाइबिलिटी और ओनर का अकाउंट यानी कैपिटल, उनको आप एक स्टेटमेंट में उतार देते हो जिसको आप बोलते हो बैलेंस शीट। एक साइड आप कैपिटल और लाइबिलिटी बताते हो और दूसरे साइड में आप पूरे एसेट बताते हो, उसको आप बोलते हो बैलेंस शीट। अब जब आपके फाइनल अकाउंट बन जाते हैं, ऑडिटर द्वारा ऑडिट हो जाते हैं, मतलब सब तरीके से कंफर्म हो गए, तो फिर आप अपनी अकाउंट बुक को क्लोज कर देते हो, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। वो भी अपन ने पढ़ा था, पूरे एक्सपेंस अकाउंट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिए, पूरे इनकम प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिए, ट्रेडिंग का बैलेंस प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस एप्रोप्रिएशन में, एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कैपिटल में, ऐसे आपने ट्रांसफर करके इनको सबको क्लोज कर दिया। अब आपके लेजर में क्या बच जाते हैं? एसेट और लाइबिलिटी, जिनको आप नेक्स्ट ईयर की बुक्स में कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो एज ओपनिंग बैलेंस। ये आपके अकाउंटिंग का साइकिल हो गया, बराबर? ये आपके अकाउंटिंग का पूरा साइकिल हो गया। यही हर साल चलता है, फिर अगले साल भी ऐसे ही करोगे। बुक्स ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट, बुक्स ऑफ एंट्री कैश बुक, आपको पता है कैश कम बैंक बुक हो सकता है, नहीं एक साथ दोनों कॉलम बना लिया, कैश का भी और बैंक का भी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, तो इसमें आप कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों के कॉलम बना लेते हो, तो इसलिए डबल कॉलम में आपके पास ये भी ऑल्टरनेटिव बन जाता है कि कैश और डिस्काउंट का कॉलम, या बैंक और डिस्काउंट का कॉलम, या फिर कैश और बैंक का कॉलम। पेटी कैश बुक यानी छोटे छोटे जो पेमेंट्स है उनको आसानी से रिकॉर्ड हो सके, इसके लिए आप एक सेपरेट बुक बना सकते हो, जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक या एनालिटिकल कैश बुक। इंप्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक का ही पार्ट है, वो अपने आप में कोई नई चीज नहीं है। हम अपने एक किसी क्लर्क को कुछ पैसे दे देते हैं कि भाई इसमें से आप छोटे छोटे पेमेंट करो और उसका हिसाब किताब रखो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंप्रेस सिस्टम, उसी को बोलते हैं इंप्रेस सिस्टम। वो फिक्स इंप्रेस भी हो सकता है कि आप उसको हर बार, मान लो आपने लिमिट फिक्स कर दिया कि भी 10,000, तो 10,000 से ज्यादा अमाउंट उसके पास कभी भी नहीं देंगे, वो फिक्स इंप्रेस हो गया। या फिर ऐसा कोई लिमिट फिक्स नहीं है तो जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे, मेन कैशियर पेटी कैशियर, वो लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे, जिस पीरियड में उनको लगता है ज्यादा पेमेंट होने के चांसेस है तो ज्यादा कैश दे देगा, कभी कम दे देगा, ऐसा रहेगा। सेल्स बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल बुक बनाते हो आप। परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक बनाते हो, ध्यान में रखना। और गुड्स क्या है? जिसको आप खरीदते और बेचते हो, जो आपके बिजनेस का ऐसा आइटम है उसको आप गुड्स बोलते हो। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक में, बिल रिसीवेबल बुक में आप बिल रिसीवेबल रिसीव्ड रिकॉर्ड करते हो, बिल्स पेबल बुक में बिल्स पेबल इश्यूड एक्सेप्टेड वो रिकॉर्ड करते हो आप। अगर आप बिल रिसीवेबल एंडोर्स बुक बनाओ, तो जो बिल रिसीवेबल आपने किसी को एंडोर्स किए उसकी रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हो। अदर्स कितनी भी बुक ऑफ एंट्री बन सकती है, जैसे सेल रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, आपको बताया था कि पूरे कैश ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए, तो आप बचे नॉन कैश। अब वो नॉन कैश में अगर कोई रिपीटेटिव है, बार बार आता है, तो जर्नल में रिकॉर्ड करने में जितनी मेहनत होती है वो रिड्यूस हो सकती है अगर आप उसके लिए सेपरेट बुक ऑफ एंट्री बना लो। तो जैसे सेल के लिए, क्रेडिट सेल के लिए जर्नल में लिखने की बजाय आपने सेल बुक बना लिया, बराबर? और जिसके लिए भी कोई स्पेशल बुक नहीं है, यानी जिस ट्रांजेक्शन के लिए, पहले देखो ट्रांजेक्शन कैश बैंक का है क्या, तो कैश बुक में ले लो, नहीं है तो उसका किसी स्पेशल बुक से कनेक्शन है तो उसमें रिकॉर्ड करो। आपको लगा कि ये तो किसी में फिट नहीं बैठ रहा, तो बचा कुचा जो भी रहता है वो आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, इसीलिए जर्नल को रेसिडुअरी बुक ऑफ एंट्री भी बोला जाता है। जर्नल को इसीलिए क्या बोला जाता है? रेसिडुअरी बुक ऑफ एंट्री, क्योंकि जो इन बुक्स में फिट नहीं बैठा, अब इनमें से जो जो आप बना रहे होंगे, क्योंकि सब की सब बुक बनाई जाएंगी ऐसा जरूरी नहीं है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन उनके किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके ऊपर। तो जिनके लिए इन बुक्स में से कहीं पे भी फिट नहीं बैठा वो ट्रांजेक्शन आ जाएगा जर्नल में। लेजर,
उसको प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेट लेजर ये क्या है, एक सब्सिडरी बुक की तरह, मतलब इसकी मदद से लेजर बना, फाइनली मेरे लिए क्या है, लेजर है। तो लेजर मेरा प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया। लेजर में पूरे अकाउंट, सब टाइप के अकाउंट आपके लेजर में रहते हैं, एक्सेप्ट कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनेगा अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो। अगर आप कैश बुक नहीं बना रहे होंगे तो कैश और बैंक अकाउंट भी लेजर में बनेगा। कुछ और पॉइंट आपको बता दिए कि पूरी अकाउंटिंग जो होती है वो एक्रुअल सिस्टम से होती है। एक्रुअल सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी आपके एक्सपेंस और इनकम, यानी कि जो भी गुड्स सर्विसेज बेनिफिट का लेन देन हुआ तो उसको एक्सपेंस इनकम के तौर पे अकाउंट कर लो, चाहे पैसे का लेन देन हुआ या नहीं हुआ, बराबर। दैट इज कॉल्ड एक्रुअल प्रिंसिपल। उसी को बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और आप पूरी जो अकाउंटिंग पढ़ते हो उसी सिस्टम से पढ़ते। अब दूसरा सिस्टम होता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम एक्सपेंस को तब अकाउंट करते हैं जब पे कर देते हैं, इनकम को हम तब अकाउंट कर देते हैं जब उसके पैसे रिसीव कर लेते हैं, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कैश सिस्टम को प्रॉपर सिस्टम नहीं माना जाता है, ठीक है, इसीलिए वो कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। एक और थ्योरेटिकली आपको बोलेंगे हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड का मतलब, कभी भी हाइब्रिड का मतलब दो चीजों को मिला है, मिक्स, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। तो जहां पे आपने पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन में एक्रुअल प्रिंसिपल लगाया और कुछ पे कैश सिस्टम लगाया, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिला, उनको अपन बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। इसी को अभी नया नाम जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट को ही क्या बोला जाता है अभी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जिसका बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंजॉयड हो जाता है, खत्म हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, उसी को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उसी को कॉमनली अपन एक्सपेंस भी बोल देते हैं, खर्चा। सिंपली क्या बोल देते हैं, एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है। लॉसेस, जहां पे आपका कुछ वैल्यूएबल गया बट बदले में कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको अपन बोलते हैं लॉस। वो लॉस किसी भी टाइप का हो सकता है, बैड डेट भी लॉस है, पैसा डूब गया, आपकी कैश चोरी चले गई, कोई गुड्स चोरी चले गए थेफ्ट से, वो भी हमारे लिए लॉस है, बराबर। तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट तो है ही, तो जो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, चली गई, अब कैश चोरी चले गई तो कैश में तो क्रेडिट करना पड़ेगा बुक से हटाने के लिए। फर्नीचर आग में जल गया तो उसको तो बुक से हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो कैश को क्रेडिट करो, फर्नीचर को क्रेडिट करो। कोई पार्टी ने पैसा डुबा दिया तो डेटर को क्रेडिट तो करना पड़ेगा, और उनका डेबिट फिर आप लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, बैड डेब्ट, ऐसे नाम से डेबिट कर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब, बाय नेचर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई एसेट कोई प्रॉपर्टी तो क्रिएट नहीं हुई है, बट अपने को लगता है कि इसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, तो अपन उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप लोगों को थेरेटिकली पढ़ाया जाता है कि भाई हैवी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया, बड़ा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन किया, तो उसका बेनिफिट दो साल में मिलेगा, तीन साल मिलेगा, तो उसको बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने अपने मन से किसी भी एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया रहा कि इसका बेनिफिट दो साल तीन साल, तभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना। तो अगर दो साल बोला तो क्या करते हैं अपन, उसका आधा खर्चा इस साल के प्रॉफिट लॉस में राइट ऑफ करते हैं, आधे को बैलेंस शीट में बना के नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट लॉस में बचा हुआ आधा जाता है, ऐसा उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीपेड का मतलब, यहाँ पे अपने को मालूम रहता है कि भी हमको ये जो भी नेचर है उसका, उसका बेनिफिट उसकी सर्विसेज नेक्स्ट ईयर में मिलने वाली है, हमने पैसे अभी से दे दिए, उसको बोलते हैं
अपन फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस में होता है कि भी आपका ये अकाउंटिंग ईयर है यहाँ से लेके यहाँ, अब आपने यहाँ पे मान पॉलिसी ली और प्रीमियम पे, तो ये एक साल का प्रीमियम रहता है, तो यहाँ पे तो मान लीजिए कि 4 मंथ्स, तो 4 मंथ का बेनिफिट तो इस ईयर में मिला, बट प्रीमियम तो आपने 12 महीने का पे किया, तो जो बचा हुआ 8 महीने का प्रीमियम है वो इस साल के खर्चे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, उसी को अपन बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपको बताया, देर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26, तो जनरली ये जो खर्चे होते हैं इनको डेफर नहीं किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा और इस टाइप के खर्चे, लेकिन फिर भी आपको बीइंग द स्टूडेंट ऑफ जूनियर मोस्ट लेवल क्वेश्चन में ऐसा लिखा दिखता है कि भी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा या कहीं और किसी खर्चे को लिखा है कि इसका बेनिफिट 2 साल 3 साल में मिलेगा, तो आप उसको डेफर्ड रेवेन्यू दे सकते हो। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, बिल्कुल वैसे जो इनकम नेचर की रिसिप्ट होती है, जिसको अपन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लेते हैं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। तो बेसिकली आप किसी को गुड सर्विसेज बेनिफिट जब देते हो, तो इसकी जो कीमत है वो आपके लिए रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है, इनकम है, उसको आप अपने प्रॉफिट लॉस में लोगे। बट इसको छोड़ के जो पैसा आपके पास आता है, जैसे ओनर ने कैप पैसा लाया, जिसको आप कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, लोन लिया तो लोन अकाउंट बोलते हो, बराबर, या आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी और उसके पैसे मिले की रिसिप्ट। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट बोला जाता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी डिस्काउंट अकाउंट दिखता है वो कैश है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब बल्क में सेल परचेस की वजह से, या मार्केटिंग, या फिर कोई हमारा बड़ा रेगुलर कस्टमर है के डिस्काउंट दिया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेल परचेस के समय डिसाइड होता है, कैश डिस्काउंट हमेशा पैसे लेन देन के समय डिसाइड होता है। ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से अकाउंट नहीं करते हैं, ये वर्ल्ड ओवर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको आप क्या करते हो, सेल के समय सेल वैल्यू में से कम कर देते हो, परचेस के समय परचेस के अमाउंट में से कम कर देते हो। कमीशन, जब आप किसी को कोई सर्विसेज देते हो तो उसकी कीमत मिलती है, तो उसको कमीशन बोलते हैं। वैसे कोई और हमको अगर सर्विसेज देगा तो हमको उसकी कीमत चुकाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कमीशन। वो अगर हमारा एम्प्लॉय होगा तो हम सैलरी वर्ड यूज करते हैं। वो कोई प्रोफेशनल नेचर का काम करने वाला होगा, जैसे ऑडिटर है तो हम ऑडिट फीस बोल देंगे, है ना। पर जो ऐसे काम होता है, गुड्स बेच करके दे दिया, गुड्स खरीद करके दे दिया, तो ऐसे जगह पे हम ये वर्ड यूज करते हैं कमीशन। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है जो अनसर्टन है, बराबर, तो लाइबिलिटी हम तब वर्ड यूज करते हैं, लाइबिलिटी बोला हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है ना, हमको लग रहा है कि भी नहीं हमको ये चीज देना पड़ेगा, वी आर अंडर ऑब्लिगेशन, तो उसको आप बोलते हैं लाइबिलिटी। प्रोविजन, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी जिसमें सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब जहां अंदाज लगाना पड़ता है, जहां पे अमाउंट बहुत ही रिलायबली डिटरमाइंड है, नोन है, तो उसको लाइबिलिटी बोल देंगे, और जिस लाइबिलिटी में अमाउंट का अंदाज लगाना पड़ता है उसको बोलेंगे प्रोविजन। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब जो आज की सिचुएशन में तो हमको नहीं लगता कि ये ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आएगा, लेकिन ऐसी कंडीशन फ्यूचर में अराइज हो सकती है कि जिन केसेस में ये लाइबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है, यानी आज की तारीख में तो हमको नहीं लगता है कि आएगा, बट आ सकता, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। फ्यूचर का इवेंट और अनसर्टन है, पक्का नहीं मालूम, पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
दैट इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. जैसे अपन ने एक तो देखा कि अपन ने बिल डिस्काउंट कर लिया, अब अपन ने बिल डिस्काउंट कर लिया तो अपना तो मैटर खत्म, अपने को तो पैसे मिल गए. अब बैंक जो ड्रॉवी है उससे पैसे कलेक्ट करता है. लेकिन अगर वो ड्रॉवी ने डिफॉल्ट किया तो बैंक आपसे रिकवर कर सकता है ना, पढ़े ना अपन. दैट मीन्स वी आर कॉन्टिंजेंटली लाइबल फॉर दोज बिल डिस्काउंटेड. ठीक. सिमिलरली किसी ने अपने अगेंस्ट में कोर्ट में क्लेम किया है कि भी आपके प्रोडक्ट यूज करने से हमको नुकसान हुआ, भरपाई करके दो. हम क्लेम करके रखा है, हम हारेंगे नहीं, हम जीत जाएंगे. लेकिन अगर कोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर दिया तब तो देना पड़ेगा ना. तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी. कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को अकाउंट नहीं करते, सिर्फ उसका डिस्क्लोजर कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेट, तो उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे. वो हमारे बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखेगा नहीं, बट हम वो नोट्स टू अकाउंट में बताएंगे कि भाई ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हमारी है. कॉन्टिंजेंट एसेट को तो ये उसी का उल्टा है कि हमको किसी से कुछ लेने को मिल सकता है, बट मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई वो अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है. मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी मत करो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज भी नहीं करना है. अकाउंट तो नहीं करना है. उसको बोला जाता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह होते हैं उसमें बता सकते हैं. बहुत ज्यादा नहीं ये करूंगा आपको. अगर जिसका भी मैथ थोड़ा वीक रहा उसने फिर से उसको देख लेने का. जैसे एक से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू नहीं बदलती है, बट एक वन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करोगे तो उससे वैल्यू बदल जाती है. बराबर. सिमिलरली जीरो से मल्टीप्लाई करने से पूरा जीरो हो, पर जीरो ऐड करने से या जीरो से वैल्यू नहीं बदलती है ना. जीरो के रेशियो का बेस है दो, किसी के रेशियो का बेस है तीन, किसी के रेशियो का बेस छः चलिए अभी देखिए थोड़ा यहाँ, क्योंकि मुझे एक तो इशू है कि जो मेरा इंटरनेट है वो थोड़ा सा वीक. अब मैं दूसरा वाला इंटरनेट को ट्राई, भरोसा नहीं है कि वो भी यहाँ पिकअप कर रहा कि नहीं कर रहा. फिलहाल तो मैं चलने देता हूँ, जब ब्रेक नहीं हो. जो 1/6 उसको वैसे ही रख दो, सब एक बेस पे आ जाएंगे तो उसको इंटरप्रेट करने में, उसको यूज करने में आप सही करोगे, वरना गड़बड़ हो सकती है, वरना गलत हो सकता है. बराबर. अब इसके बाद आपको ये हमने पार्टनरशिप में रेशियो के कैलकुलेशन के 4-5 प्रॉब्लम करा के दिए थे सब पार्ट, उसमें पूरा समझाया हुआ था. जिसका मैथ्स अगर थोड़ा वीक हो तो उन चीजों को फिर से देख सकते हो. ये उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया
कि एक बेस में तो वो 3/6 हो गया, 2/6, 1/6। परसेंटेज लगाते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि परसेंटेज काय पे अप्लीकेबल है और आपको वहां पर कौन सा फिगर दिख रहा है, वो आपने हमेशा ध्यान देने का। जिस चीज पे परसेंटेज है अगर वही फिगर आपको दिख रहा है तो आप आंख बंद करके उसका यूज कर लीजिए। कुछ कुछ लोगों को आवाज का प्रॉब्लम जा रहा है पर मैंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास तो यहाँ कुछ और अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। इसीलिए देखिए मैंने अपना ये टीम ऐप को ही यूज़ कर रहा हूँ कम्प्लीटली, दूसरा कोई मैंने वो रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी इसलिए नहीं किया। एक्चुअल में वो रिकॉर्डिंग हो जाती थी तो आप ही लोगों के लिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम आपको बाद में अगर अवेलेबल कराएंगे तो वो और बेटर क्वालिटी रहता देखने में और अच्छा रहता, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो देखिए अभी मेरे तरफ से तो इसमें और कुछ मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, अभी तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है यहाँ पे। जैसे बाजू में जो हमारे डॉग था जो अभी बहुत बार्क कर रहा था, अभी तो वो भी शांत है। कुछ ने लिखा है कि अब क्लियर आवाज आ रही है, और जनरली क्या करने का, अगर किसी एक ने कमेंट दे दिया और आपको लगता वही कमेंट है तो मत रिपीट करो, रिपीट करने की जरूरत नहीं। इफ समथिंग डिफरेंट इज देयर देन यू कैन कमेंट। तो परसेंटेज लगाते समय ध्यान देने का कि जिस चीज पे आपको परसेंटेज दिया है वो चीज मालूम है या कुछ और मालूम है, बराबर। आपको ये भी हमने कैलकुलेशन करा के दिखाया है सबसे पहली चैप्टर में, यानी ये वाले चैप्टर में बेसिक में करा और आगे भी कराए हुए कंसाइनमेंट वगैरह में। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो रहता है वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट पे रहता है, इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर, और फिर वो डिस्काउंट कट करके जो आता है उसको नेट अमाउंट अपन पे करते हैं या रिसीव करते हैं। और प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है वो सेल पे भी दे सकते हैं, वो कॉस्ट पे भी दे सकते हैं। कुछ लिखा ना हो तो आप प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पे है ये मान के आप चल सकते हो जहां पे लिखा ना हो। कमीशन का परसेंटेज वो किसी भी चीज पे हो सकता है, वो सेल पे हो सकता है, वो प्रॉफिट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो सकता है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो सकता है, प्रॉफिट का भी अलग ग्रॉस प्रॉफिट पे भी देने को दे सकता है, क्या मनाही थोड़ा है। इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं दे आर बेसिकली, आपने जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच का। ट्रांजैक्शंस क्या है, ये दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में ये दो लोग आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, आप कर सकते हो। ये डिस्काउंट जैसे 9,500 नेट अमाउंट है, पेड अमाउंट है, आप 5% डिस्काउंट लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9,500 पे 5% नहीं। इसीलिए आपको उसकी रिलेशनशिप निकालना पड़ता है। तो अब नेट अमाउंट के साथ आपको ये रिलेशनशिप लगाना चाहिए कि 95 पे 5 है, ऐसा ये आपका भी बराबर कैलकुलेशन आ जाता। ये दिया 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, यहाँ सीधे सीधे आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी यहां पर दिया आपको कि भी 25 कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, जबकि 500 रुपए जो है वो कॉस्ट है, तो 5 है उसका 25% रहेगा तो सीधा कैलकुलेशन है, पर 25% ऑन सेलिंग प्राइस रहेगा तो उसमें फिर से आपको रिलेशनशिप निकाल के कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ा सा। तो 500 कॉस्ट है, प्रॉफिट
इवेंट ऑन कॉस्ट है तो सीधे सीधे कैलकुलेशन हो गया। पर 25% ऑन सेलिंग प्राइस है और आपको कॉस्ट मालूम था तो रिलेशनशिप निकाली गई फिर ऐसे कि सपोज सेलिंग प्राइस 100, यानी जिस चीज पे परसेंटेज दिया रहा उसको 100 मान के आगे बढ़ने, तो सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 25, कॉस्ट 75। अब ये रिलेशनशिप आ गई कॉस्ट के साथ कि ऑन एवरी 75 कॉस्ट देर इज 25 प्रॉफिट। ये देखिए तो जिनका मैथ थोड़ा सा वीक हो उनने ये चीज को जरूर देख लेना के सेकंड चैप्टर में आखिरी आखिरी में दिया हुआ है, उसके वीडियोस भी आप देख सकते हो जो क्लास में पढ़ाया हुआ। इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, यही परसेंटेज ऑफ कमीशन था। एक केस में सीधे कैलकुलेशन हो गया, दूसरे केस में आपको रिलेशनशिप निकाल के करना पड़ा थोड़ा सा, बराबर। फ्रेंड्स ये आपका सेकंड वाला चैप्टर जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, वो कंप्लीट हुआ। आपको इसमें कुछ भी बोलना है पूछना है तो आप बताइए, एट ए टाइम एक ने ही बोलने का, किसी को लगा दूसरा बोल रहा है तो चुप रहने का, उसके बोलने के बाद फिर बोलने का, ठीक है। तो यू कैन आस्क एनीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। चैट में भी लिख सकते हो है कोई क्वेश्चन? सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, प्रोविजन यानी लायबिलिटी ही है, उसको अपन अकाउंट करते हैं, सिर्फ उसमें जो है अमाउंट का एग्जैक्ट अपने को मालूम नहीं है। मतलब अपने ऊपर ऑब्लिगेशन है ये तो अपने को देना तो पड़ेगा, पर कितना वो अमाउंट का अपन अंदाज लगाते हैं। पर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में अपने को ये लग रहा है कि वो लायबिलिटी अपने ऊपर आएगी कि नहीं, शायद आ सकती है बट आने के चांसेस कम है, उसको अपन बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन को अकाउंट करना पड़ता है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज करते हैं, अकाउंट नहीं करते। और किसी को कोई क्वेश्चन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पीकेआईबी? कोई डिफरेंस नहीं है, इंप्रेस सिस्टम उसमें अपन वो कैशियर के पास अमाउंट, बाकी कोई फर्क नहीं है। उसमें कैशियर के पास जो अमाउंट अपन देते हैं उसी को वो इंप्रेस सिस्टम बोलते हैं। रिलेशनशिप कैसे डेवलप करने का, परसेंटेज जिस चीज पे दिया रहा उसको 100 मान के चलने का। तो जैसे यहां पर आप प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो आएगा उसका 5%, तो अपन ने बोलने का, देखिए मेरे को इसको 100 बोलने का, जिस चीज पे परसेंटेज दिया रहा उसको 100 लेने का। अब इसके ऊपर उसने कमीशन क्या बोला, 5% यानी 5। अब इस पे से अपन ने जाने का कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना हुआ। अब आप ही सोचो, कमीशन 5 रुपए है, वो कट करने के बाद 100 है, इसका मतलब कमीशन कट करने के पहले 105। ये रिलेशनशिप डेवलप हो गई।
वीडियो देख लेने का, जहां लगा आपको वो ये रह रहा था। देखिए हमारे जो अकाउंट्स के वीडियो है पर्टिकुलरली पूरे इंडेक्स्ड है, चैप्टर वाइज है, तो आपको जो चीज में प्रॉब्लम जा रहा उतने वीडियो देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं है। आपको लगा कि थोड़ा मैथ्स के कैलकुलेशन में, तो जिन जिन प्रॉब्लम में कैलकुलेशन वो वाले वीडियो देखने का, तो आपकी आइडिया और बन जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बढ़ूं फिर मैं आगे? तो अब अपन अगला जो चैप्टर है उस पे जाएंगे। कुछ चीजें अटक जाती हैं। ये देखिए अब आ गया चैप्टर थ्री, बराबर। तो ये हमारा चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इस चैप्टर में हमको जो पढ़ाई करना है, एक तो ट्रेड बिल या जेन्युइन बिल, मतलब जहां पे कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन रहता है, सेल परचेस रहता है, उसके अगेंस्ट में बिल बनता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल और जेन्युइन बिल। दूसरा होता है एकोमोडेशन बिल, यानी जहां पे दोनों पार्टियों के बीच में कोई ड्यूज नहीं है पर फिर भी उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो इसका मतलब वो एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए बना रहे बिल, फाइनेंशियल हेल्प के लिए बना रहे बिल, तो उसको अपन बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। प्राइमा फेसी दोनों की अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ ट्रेड बिल में पहले से सेल परचेस का ट्रांजेक्शन है, इसलिए एक पर्सन को पैसे लेने का हक है, दूसरे के ऊपर ऑब्लिगेशन है पे करने का, जबकि एकोमोडेशन बिल में ऐसा पहले का कोई डेब्ट नहीं है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो ये उसका एक ड्राफ्ट आपको बना के दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी ओनली, बराबर है? या तो डिमांड बिल होता है, मतलब ऑन डिमांड पे करो ऐसा लिखा रहता है, या फिर टाइम बिल होता है कि पे आफ्टर 2 मंथ्स, पे आफ्टर 60 डेज, इस टाइप का लिखा रहता है, बराबर। ये एक ड्राफ्ट आपके सामने दिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें ये जो है जिसने ऑर्डर दिया इसको अपन बोलते हैं ड्रॉवर, और ये जिसको ऑर्डर दिया गया, जिसको बोला गया कि भी पे करो, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉवी। जब ये ड्रॉवी बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो अपन इसी को बोल देते हैं एक्सेप्टर, कि उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और जिसके फेवर में रहता है पे टू, यहाँ मी लिखा है, मी और माई ऑर्डर, ये किसी और का नाम भी लिख सकता है, तो इसको ही अपन बोलते हैं पेई। ये सर्टन सम ऑफ मनी, ये है एक फिक्स अमाउंट है, बराबर, और सिर्फ पैसों के लिए बन सकता है, आप कोई और चीज का नहीं बोल सकते। इसके ऊपर ड्यूटी वगैरह, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है, तो ये स्टैम्प ड्यूटी दिया है। कितने पे के लिए, यूसेंस बिल, इसी की जगह यहां लिखा रहता पे ऑन डिमांड, मतलब मैं जब मांगूंगा तब पे करो। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग,
यहाँ पे जो देने के लिए लायबल वो खुद लिख के देता है कि भी आई प्रॉमिस टू पे, आई अंडरटेक टू पे, बराबर। इट इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग टू पे ए सर्टन सम ऑफ मनी ओनली। अब दोनों में सिर्फ हमारे लिए मेन फर्क है कि प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेयरर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, क्योंकि अदरवाइज ये करेंसी नोट की तरह बन जाएगा, क्योंकि करेंसी नोट बेयरर नोट है। आपके पास 500 रुपए का नोट है, वो आपने डीजी शर्मा को दिया तो वो डीजी शर्मा का हो गया है ना, कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रहेगी। मेरे हाथ में वो नोट आ गया, मतलब मेरा, whosoever bears it, bearer का मतलब जिसके पास है उसका है, है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बेयरर हो सकता है, बराबर, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर हो सकता है, बट प्रॉमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकता है। तो चेक आप बनाओ वो बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर, अगर आपने मिसप्लेस कर दिया, जैसे मान लो आपको अपने डैडी से पैसे मांगे पॉकेट खर्चे के लिए, आपके डैडी आपको चेक दिए लेकिन बेयरर रहने दिया उसको, और आप के गिर आपका ध्यान नहीं है, किसी और ने उठाया और बैंक में जाके पैसे निकाल लिया, तो डर था, बैंक की कोई गलती नहीं है, whosoever bears it उसको दे दे। सिरी नोट का एक एग्जांपल दे दिया है, ये जो लिख के दे रहा है ये पे करने वाला है, इसको अपन बोलेंगे प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसर है, और जिसके फेवर में है इसको अपन बोलेंगे प्रॉमिसी। बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसा पे ही रहता वैसा ये प्रॉमिसी पे ही है, इसको पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि देखो लिखा रहता आई प्रॉमिस टू पे यू और योर ऑर्डर, बराबर, बोलोगे तो किसी और को दे अंडरटेकिंग लेता हूँ बिल पीरियड, जब मांगा यूसेज बिल और टाइम डेट, ये भी आपको पढ़ाया कि मंथ है तो मंथ में गिनती लगाओ, डेज है तो डेज में गिनती लगाओ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हॉलीडे वाइल असरटेनिंग ड्यू डेट, हॉलीडे यानी छुट्टी आ रही होंगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के केस में अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे, क्या प्रीसीडिंग वर्किंग डे अगर पब्लिक हॉलीडे आया तो जैसे 26 जनवरी 15 एक्सेट्रा, ठीक है, संडे इज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, हॉलीडे सडन हॉलीडे, तो फिर सब्सिक्वेंट वर्किंग डे टेकन एज ड्यू डेट। थोड़ा लैगिंग हो शायद मेरे ख्याल से, सब्सिक्वेंट वर्क अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिल प्रॉमिसरी नोट, जिसकी मॉडल एंट्री ऐसा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा क्विकली बोलूंगा, दोनों पार्टियों के बुक्स में, बराबर है, जो ड्रॉवर है और जो ड्रॉवी है, गुड्स बेचा जो है ये बेचने वाला जो पार्टी है, यानी ए है, यहाँ पे ए की बुकी ड्रॉवी रहेगा, तो ए के हुआ, बी के बुक्स में परचेज डेबिट टू ए हुआ, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बिल बनाया तो ए के लिए बिल रिसीवेबल है तो बिल रिसीवेबल डेबिट, बी ने दिया तो बी का अकाउंट क्रेडिट, जो बी है वो बोलेगा ए का अकाउंट डेबिट क्योंकि वो ए को दे रहा है, ए का अकाउंट डेबिट। अब एकोमोडेशन बिल में सिंपली क्या होता है, ये जो पहला वाला है तो सेल ऑफ उसकी वजह से ए
को पैसे लेने का हक बना है और बी को पैसे देने का ऑब्लिगेशन ज्यादा हो रहा है क्या? अब ये जो बेस को तरीके से ड्रॉवर हैंडल कर सकता है ये अपन ने पढ़ा था, वो बिल को रिटेन कर सकेगा, डिस्काउंट कर सकता है, तो जितना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जितना डिस्काउंट कट हुआ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल खत्म, बराबर। वो किसी को एंडोर्स कर सकता है, तो जिसको वो बिल उसने एंडोर्स किया दिया उसका अकाउंट डेबिट, और वो उसको कलेक्शन के लिए भेज सकता है, तो बिल फॉर कलेक्शन डेबिट और बिल रिसीवेबल में अकाउंटिंग बुक्स में हो सकता है। इसका बी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका बिल्स पेबल था पेबल है, उसका बिल्स पेबल रहेगा अप टू ड्यू डेट। एकोमोडेशन बिल में हमेशा ये वाली चीज होती है डिस्काउंटिंग की, क्योंकि बेसिकली वो बिल बनाए ही जाते हैं पैसे अरेंज करने के लिए, काय के लिए बनाए जाते हैं एकोमोडेशन बिल, पैसे अरेंज करने के लिए, इसलिए वो एंडोर्समेंट या कलेक्शन के लिए नहीं दिखेगा। ट्रेड बिल में चारों चीजें हो सकती है, एकोमोडेशन में बिल में बी वाला पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ड्यू डेट पे क्या होगा? ड्यू डेट पे या तो बिल ऑनर होगा या तो डिसऑनर होगा। अब वो ऑनर या डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक्स में इस बात पे डिपेंड करती है कि वो बिल उसने क्या किया था। तो अगर वो बिल उसके पास था तो पैसे मिलेंगे, तो वो कैश बैंक को करेगा डेबिट और बिल रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट। अगर उसने डिस्काउंट करा तो उसके लिए नो एंट्री, क्योंकि वो तो बैंक को पैसे मिलने वाले हैं। अगर उसने एंडोर्स कर दिया होगा तो भी उसके लिए नो एंट्री, क्योंकि वो तो पैसे सी को मिलने वाले हैं। अगर उसने कलेक्शन के लिए दिया होगा तो उसको पैसे मिलेंगे, तो बैंक में करेगा डेबिट, कुछ कलेक्शन के चार्जेस बैंक ने लिया होगा तो बैंक चार्जेस में करेगा डेबिट और बिल फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करके क्लोज करेगा, बराबर। अब जहां तक जो ड्रॉवी है उसको तो हर केस में एक ही एंट्री है, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक, क्योंकि उसने बिल को फोर्थ पॉइंट में, यहाँ थर्ड पॉइंट ही शायद स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, फोर्थ पॉइंट शायद ये आ गया। अब अगर बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा? तो आपने जो अकाउंटिंग की थी पहले उसको रिवर्स कर डालो, क्या कर डालो उसको रिवर्स कर डालो, तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर की एंट्री यानी रिवर्सल एंट्री। तो बिल आपके पास रखा था तो आपने रिवर्स करते समय बी को डेबिट किया, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया, और अगर आपने नोटिंग कराया होगा तो कैश बैंक को क्रेडिट किया क्योंकि उतने पेमेंट आपने किया। डिस्काउंटेड वाले केस में आपने बी को डेबिट करके कैश बैंक को क्रेडिट किया क्योंकि बैंक ने उतने पैसे आपसे रिकवर कर लिया, इंक्लूडिंग अगर नोटिंग का पेमेंट होगा तो वो भी बैंक ने आपसे रिकवर कर लिया। सी की वाले एंट्री में आपने बी को डेबिट किया, सी को क्रेडिट किया क्योंकि सी अब आपसे बिल का भी पैसा मांगेगा और नोटिंग का जो उसने पेमेंट किया होगा वो भी आपसे मांगेगा। और लास्ट वाले में आप बी को डेबिट करोगे, बिल्स फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करोगे, कैश या बैंक को आप क्रेडिट करोगे। चारों में आप देखोगे आपने बी को डेबिट किया क्योंकि आपको बी से अभी भी पैसे लेना बाकी है, उसने बिल डिसऑनर किया। और कितना पैसा मांगोगे अब उससे आप? बिल का पैसा प्लस नोटिंग का जितना पैसा। बी के बुक्स में बिल पेबल को कैंसिल करेगा, नोटिंग चार्जेस उसके लिए खर्चा है वो डेबिट करेगा, एंड वो ए को पे करने के लिए लायबल है। सभी केसेस में वो ये एंट्री होगी कि बिल डिसऑनर हो गया। कभी भी अकाउंटिंग में आज क्या अकाउंटिंग होगी वो इस बात पे डिपेंडेंट रहती है कि पहले क्या क्या हो चुका। रिन्यूअल ऑफ ए बिल मतलब होता है कि ड्यू डेट पे पे
करने वाला रिक्वेस्ट करता है कि भी मेरी पोजीशन अभी पे करने की नहीं है, तो आप मुझे और टाइम दीजिए, थोड़ा समय बढ़ा दीजिए। दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल में बेसिकली तीन पार्ट, पहले पुराने बिल को कैंसिल करने का। अब कैंसिलेशन की एंट्री काय पे डिपेंड करेगी कि आपने बिल को क्या किया था, जो अभी आपने डिसऑनर में देखा। तो सबसे पहले पुराने बिल को कैंसिल करो, बराबर। वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एंट्री हो सकती है, ये वाली एंट्री। यहाँ पे एक सिचुएशन मान के आपको दे दिया, ठीक है, ये दिस कैन बी डिफरेंट एंट्री ऑल्सो। सेकेंड, इंटरेस्ट ड्यू करो, आपको बी से अब इंटरेस्ट लेना है क्योंकि वो डिले कर रहा, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम। और फिर उसका सेटलमेंट, सेटलमेंट में वो कभी आपको पार्ट ऑफ द अमाउंट क्या देगा, और कभी वो बोलेगा कि नहीं भाई अभी तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, पूरा बिल। दोनों पॉसिबिलिटी आती है। तो ये तीन पार्ट में रिन्यूअल की एंट्री, पुराना बिल कैंसिल करो, इंटरेस्ट ड्यू करो। अब बी के लिए वो इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, क्योंकि वो डिले कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो खर्चा है, ठीक है। और फिर वो उसका पार्ट पे कैश पार्ट बिल या पूरा बिल ऐसा देगा, ये रिन्यूअल ऑफ द बिल। ये ऑलरेडी समझा दिया कि रिन्यूअल की एंट्री में पहला जो कैंसलेशन है वो डिपेंड करेगा कि बिल को आपने क्या किया था। रिटायरमेंट ऑफ द बिल, रिटायरमेंट यानी रिन्यूअल का उल्टा है, जल्दी पे। रिटायरमेंट ऑफ द बिल क्या है, जल्दी पे करना। तो अगर वो जल्दी पे कर रहा है तो इसका मतलब जैसे डिले में आप इंटरेस्ट लगा रहे थे, तो जल्दी पे कर रहा तो अब उसको आप कुछ कंसेशन दो, रिबेट दो। दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ द बिल। इट इज ऑनर, ऑनर करने की एंट्री है। फर्क सिर्फ क्या है कि उसमें कुछ कंसेशन, कुछ रिबेट आएगा। ये देखिए, अपने को पैसे मिल रहे हैं कैश बैंक डेबिट, पर अपन ने कंसेशन दिया तो रिबेट में डेबिट और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट। उसके बुक्स में पे करने वाले के लिए बिल्स पेबल डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, रिबेट अकाउंट क्रेडिट। ऑनर की एंट्री है। एकोमोडेशन बिल जैसा मैंने बोला वही पैटर्न रहता है एंट्री का, सिर्फ इसमें क्या हो जाता है, एक एडिशनल काम कि पैसों की शेयरिंग भी हो जाती, कई बार डिस्काउंट करके वो थोड़े पैसे दूसरे वाले पार्टी के साथ शेयर करता है, क्योंकि ये दोनों दोस्त है, दोनों रिलेटिव है जो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए बिल बना रहे हैं। तो या तो दोनों की जरूरत होती है, या तो एक एक की जरूरत होगी तो शेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों की जरूरत होगी तो दो रास्ते अपन ने देखे, या तो वो दो बिल बना ले अलग अलग और अपना अपना बिल डिस्काउंट कर लें, या फिर एक ही बिल बड़े अमाउंट का बनाए और उसका पैसा शेयर कर लें। अब पैसा जो यूज करेगा तो बट नेचुरल है डिस्काउंट का खर्चा भी वो बियर करेगा, इतना आपको उसमें ध्यान देना पड़ता है कि भी प्रपोर्शनेट डिस्काउंट भी ट्रांसफर करना है। यहाँ पे पहला केस दिया गया कि भी ए ने बिल बनाया डिस्काउंट करके, उसी ने पैसा यूज किया, और जब ड्यू डेट आएगी तो वो उतना पैसा दूसरे वाले को भेज और वो उस बिल को ऑनर कर देगा। वो हिसाब से यहाँ पे एंट्री हो रही है, बराबर। अब दूसरी सिचुएशन कि इन्होंने पैसे शेयर किए, तो देखो बिल बनाने के बाद डिस्काउंट किया और उसके बाद कुछ पैसा दूसरे वाले पार्टी को रेमिट कर दिया, अपन ने दूसरे वाले पार्टी को रेमिट कर दिया, तो पैसा भेज, तो उसके साथ साथ प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट भी भेजेंगे। जितना पैसा, अगर आधा पैसा उसको भेजा तो आधा डिस्काउंट, 40% पैसा भेजा तो 40% डिस्काउंट। ये तो कॉमन सेंस होता है। और ड्यू डेट पे बचा हुआ पैसा उसको भेजो, आप बचा हुआ पैसा, क्योंकि कुछ पैसा आप पहले ही दे चुके हो, बचा हुआ पैसा उसको रेमिट करो और वो बिल को ऑनर कर देगा। और तीसरी सिचुएशन अपन ने देखे थे कि भी इसमें दोनों को पैसे चाहिए तो दो बिल बना डालो ना भी, है ना, दो बिल बना डालो। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया, जिसको अपन ने क्रॉस बिलिंग भी बोले थे।
तो यहाँ पे दो बिल बने, दोनों ने अपना अपना बिल डिस्काउंट किया। अब ड्यू डेट पे अगर दोनों के बिल इक्वल अमाउंट के होंगे तो पैसे का रेमिटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई ए ने बी को 10,000 का बिल दिया और बी से 10,000 का बिल लिया, तो मतलब मैटर तो वहीं पे खत्म हो गया। ड्यू डेट पे अपना अपना बिल पेबल ऑनर, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अगर ए ने बिल रिसीवेबल लिया उससे 15,000 का और दिया उसको बिल 10,000 का, तो मतलब 5,000 ज्यादा लिया था ए ने, तो फिर ड्यू डेट पे ए बी को 5,000 रेमिट भी करेगा। अगर आप अकाउंटिंग करते समय चीजों को बराबर मीनिंग से समझने लगो ना, तो अकाउंटिंग इज सच अ सिंपल एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की कुछ प्रॉब्लम नहीं जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके बेसिक को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। कई बार बच्चों के मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इतने एलिमेंट्री चीजों में अटकते हैं क्योंकि उनके बेसिक ध्यान नहीं दे रहे हो। और उनको सजेशन भी दो कि भी पहले आप थोड़ा बेसिक वाले चैप्टर को फिर से देखो, वो नहीं करते, वो आगे के चैप्टर पे ध्यान देते पहले। रिमेंबर वेल, अगर आपको डबल एंट्री में प्रॉब्लम जा रहा तो उसके लिए आपको आगे के चैप्टर में मेहनत करने से फायदा नहीं होने वाला, पहले बेसिक पे मेहनत करो। बेसिक आपने अच्छा कर लिया तो आगे के हर एक चैप्टर में उसका बेनिफिट होता है आपको। ये हो गया आपके बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। इसमें किसी के भी मन में कोई भी सवाल, कोई भी पॉइंट है तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी पूछना है तो बताइए। है कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट? अपन ऐसा करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है? 10 मिनट के ब्रेक के बाद अपन फिर से इसको रिस्टार्ट करेंगे। मेरे हिसाब से अभी 10:35 होने को है, हुआ नहीं है 10:35, सो 10:45 से अपन वापस चालू करेंगे। मैं इस बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूंगा, बाद में वापस रीस्टार्ट कर दूंगा। अगर कभी भी आपको ऐसा ध्यान में आया कि सर ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए हैं तो याद नहीं, तो हम आपको बाद में इसको अवेलेबल करा देंगे, ताकि आपको दोबारा फिर से अगर रिवीजन करने की इच्छा हुई तो आप उसको कर पाओगे, है ना? तो इसलिए आपने भी याद दिला देने का अगर कभी आपको ऐसा लगा तो। सो लेट अस हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। बढ़िया, उतनी देर में आप चाय पानी कर लीजिए, मम्मी ने आपके लिए कुछ नाश्ता वास्ता और कुछ बनाया होगा, खा पी लीजिए। फिर अपन 10 मिनट के बाद मैं तो तब तक ट्राई करता हूँ मेरा इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं।